स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दिव्यंजन में। आज मैं आपके लिए खास रेसिपी लेके आई हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं उड़द दाल की खस्ता कचौरियाँ। तो हम बिना मैदे के बनाएंगे, मैदे से नहीं बनाएंगे, आटे से बनाएंगे। और बहुत ही स्टेप बाय स्टेप जो हम बताएंगे उस तरह से आपकी कचौड़ियाँ बहुत ही खस्ता बनेंगी। और जब आप उसको एक दिन खाएंगे तो उसको खस्ता रहेंगी, दूसरे दिन तक वो चमड़े जैसी नहीं होगी, वो बिल्कुल सॉफ्ट ही रहेगी, एकदम खुश्क रहेगी, बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो हम मैदा बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। तो मैंने यहाँ पर उड़द की दाल भिगोई थी, करीब 250 ग्राम उड़द दाल भिगोई थी। तो छिलका मैंने हटा लिया है, आप चाहें तो बिना छिलके की दाल को भिगो लें। तो मैंने यहाँ पर ये छिलका हटा करके दाल को साफ कर लिया है। तो उड़द की दाल की कचौड़ियों का बहुत लोग ऐसे होते हैं जो लोग पसंद नहीं करते हैं, उसके दो कारण होते हैं। पहला कारण ये कि वो लोग सोचते हैं कि जैसे कचौड़ी खाएंगे तो वो दाल भरभरा के गिर जाती है, अक्सर सभी लोगों के साथ ऐसा होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप उसे पहले दिन खाएंगे, गरम गरम खाएंगे तो वो अच्छी लगेगी, लेकिन अगर आप मान लीजिए रात को रख दिए और दूसरे दिन आपने यूज़ किया तो वो बिल्कुल चमड़े जैसी टाइट हो जाती है। तो बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है और बहुत से लोग ऐसे हैं इसी वजह से उड़द दाल कचौड़ी नहीं खाते हैं। तो आज हम जिस तरह से बनाएंगे बिल्कुल ऐसी कोई समस्या नहीं बनेगी, दाल की कचौड़ी आपकी बहुत ही एकदम फर्स्ट क्लास बनेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दाल को पीस लेते हैं। लेकिन दाल को पीसने से पहले आपको जो है क्या करना है, दाल को महीन नहीं पीसना है, ये ध्यान रखना है, दाल को महीन नहीं पीसना है और पानी डाल के नहीं पीसना है, उसे हमें थोड़ा मोटा ही पीसना है ताकि हमारा जो दाल के लिए हम अंदर भरावन तैयार करेंगे वो हमारा बढ़िया सा तैयार हो। और दाल को महीन, दाल दही बड़ा के लिए पीसते हैं, कचौड़ियों के लिए महीन नहीं पीसते हैं। तो चलिए हम पहले दाल को पीस लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो देखिए दोस्तों मैंने दाल को इस तरह से पीस लिया है और ये देखिए मैंने बहुत ही गाढ़ी दाल पीसी है, पतली नहीं, मैंने बिना पानी डाले दाल को पीसा है। और ये देखिए मैंने जब पीसा है तो एकदम बारीक दाल नहीं करी है, थोड़ी सी दरदरी है, मतलब ये थोड़ा टाइट है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको भूनने में। तो दाल हमारी पीस गई है और साथ में जो हमें मसाले चाहिए वो हमने निकाल के रखे हैं। तो यहाँ पर मैंने निकाला है करीब 1 चम्मच के करीब हींग है और ये करी पत्ता है, नमक हम टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, 4 लाल मिर्च है, मैंने तीखी लाल मिर्च 4 ली हैं, अगर आप हरी मिर्च यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, 2 चम्मच के करीब साबुत धनिया है और 1 चम्मच जीरा है और 1 गांठ हमारी पूरी ये लहसुन की है, इसे हमने छीला नहीं है, छीलने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी हम इसे भून लेंगे उसके बाद इसे पीसेंगे। तो गैस पर हमने कढ़ाई रख दी है और इसमें नमक, हींग और करी पत्ता को छोड़ के बाकी मिर्च, धनिया, लहसुन और ये जीरा, इनको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा भून देंगे इनको हम। और जब ये हमारा खुशबू देने लगेगा अच्छा सा तो हम इसे बाद में पीसेंगे। तो देखिए दोस्तों मसाला हमारा भून चुका है, अब इसे हम निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इसमें दाल की अच्छे से भुनाई करेंगे। मसाला मैंने भून के निकाल लिया है और तेल मैंने गैस पर रखा है तो तेल गर्म हो चुका है, अब हम दाल की भुनाई करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा, ये थोड़ा सा करी पत्ता, साथ ही हम थोड़ा सा प्याज डालेंगे। अगर आप प्याज नहीं डालना चाहते हैं या फिर आप कचौड़ियों को 2-3 दिन तक खाना चाहते हैं तो आप प्याज को स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा प्याज डालेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। तो ये जब गुलाबी हो जाएगा एकदम प्याज हमारा तो हम दाल को इसमें भूनेंगे। देखिए प्याज हमारा गुलाबी हो चुका है और अब ये दाल जो है हम इसमें डाल के इसे अच्छे से भूनेंगे। दोस्तों देखिए हमारी दाल इस तरह की हो गई है, कुछ इस तरह की सूखी सूखी सी, ज़्यादा टाइम नहीं लगा है इसे भूनते हुए। और कुछ लोगों की शिकायत होती है और बहुत लोगों का ऐसा ही होता है कि बोलते हैं कि भाई उड़द की दाल की कचौड़ी खाते हैं तो जो ये दाल होती है ये खाते समय कचौड़ी से बाहर गिरती है, वो बुरा लगता है। तो उस समस्या का हल यहाँ पर है, अब भूनते समय हमें ये ध्यान देना है कि हम दाल को कितना भूनें कि वो बिल्कुल परफेक्ट टेक्स्चर उसका रहे, मतलब गिरे ना,
तो बस हमारी दाल लगभग लगभग हो चुकी है, गुलाबी हो चुकी है। और देख लीजिए आप ध्यान से कि मैंने कितना दाल को भुना है, बस इतना भुना है कि ये देखिए पकड़ने से बिल्कुल आलू के स्टफ की तरह, जैसे आलू का हम बनाते हैं बस ऐसी हो जाए। अभी जब ये तो दोस्तों जब तक कि हमारी दाल ठंडी हो रही है तब तक चलिए हम आटा लगा लेते हैं। तो आटा लगाने के लिए मैंने 250 ग्राम दाल भी हुई थी लगभग, और मैंने अभी दाल के हिसाब से आटा ले लिया है। आप जितना भी बना रहे हैं उस हिसाब से आटा ले लीजिए। तो आटे में हमें क्या डालना है, हल्का सा नमक, क्योंकि हम अभी जो स्टफिंग बनाएंगे उसमें भी नमक डालेंगे, तो हल्का सा नमक डालेंगे। और थोड़ी सी हमने ये अजवाइन ली है उसे थोड़ा सा रगड़ के हम इसमें डाल देंगे। और ये हमने तेल लिया है तो हम इसको मोयन डालेंगे इसमें। तो हमने लगभग आधा कटोरी के करीब ये मोयन के लिए तेल लिया है, तो इसे हम अच्छे से दोनों हाथों से मोयन लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों हमने मोयन लगा लिया अच्छे से इसे मसल मसल के। तो देखिए इस तरह से हमने मोयन लगाया है, ये देखिए आटे में इस तरह से मोयन लगाया है। अगर आप ज़्यादा मोयन नहीं पसंद करते हैं तो ज़्यादा मत डालिए, लेकिन मोयन लगाइए ज़रूर, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि मोयन नहीं डालते हैं, तो क्या होता है कि बाद में कचौड़ियाँ जो हैं वो एकदम चमड़े जैसी होती हैं। तो देखिए दोस्तों हमने आटा अपना बना लिया है और थोड़ा सा टाइट ही इसे रखा है, 10 मिनट इसे हम रख देंगे, थोड़ा ये रेस्ट करेगा, सेट होगा, तब तक हम अपना स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो देखिए दाल हमारी ठंडी हो चुकी है, देखिए इस तरह से हमारी दाल हो गई है और हमने गुलाबी रंग में ही भुनी है। तो अब हम इसमें मसाले मिला लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक चम्मच लिया है ये खटाई, और हींग मैंने पहले नहीं डाली थी, तो हम आधा चम्मच के करीब इसमें हींग डालेंगे, क्योंकि आजकल हींग जो है ओरिजिनल नहीं आती है। और अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डाल देंगे, लगभग एक चम्मच पड़ेगा, हल्का सा नमक हमने उसमें भी डाला था। और ये जो हमने मसाला पीस के रखा है ये हम सारा मसाला जो है इसमें मिला देंगे। देखिए दोस्तों हमने स्टफिंग के लिए अपना मसाला यानी उड़द की दाल का ये स्टफिंग तैयार कर ली है अच्छे से। और चलिए अब हम लोइया बना करके फटाफट से भर लेते हैं। तो देखिए थोड़ा सा आटा लेकर के हम इसकी इस तरह से छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे। हमें जितनी बड़ी कचौड़ियाँ बनानी हैं, अगर बड़े साइज की बनानी है तो हम थोड़ा बड़ा ही आटा ले लेंगे, और जिस साइज की बनानी है उतना आटा ले लेंगे हम। ये देखिए ऐसे, और जितनी हमने लोई ली है सेम उतना ही हम ये स्टफिंग इसमें भरेंगे। तो हल्का सा बेलन से बढ़ा देंगे इसको ऐसे, उसके बाद हम सेम उतना ही इसमें जो हमने स्टफिंग बनाई है वो हम इसमें डालेंगे ऐसे, इसे बराबर करेंगे। ऐसे भर के इसे हम हल्के से दबा देंगे, हल्का सा दबाएंगे और फिर हाथ से ऐसे 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 फैला देंगे। ऐसा करने से क्या होता है कि जो दाल हमारी होती है वो बराबर पूरी फैलती है। और अब थोड़ा सा आटा लगा के इसे हम बेल देंगे। देखिए दोस्तों तेल हमारा चेक कर लेते हैं गर्म हो गया है कि नहीं, तेल हमारा अच्छा गर्म हो गया है तो हम इसे निकाल लेते हैं, और जो कचौड़ियाँ हमने बना के रखी हैं उन्हें हम तल लेते हैं। तो देखिए मैं एक एक करके डाल रही हूँ, और अगर जैसे परिवार में बनती हैं तो दो चार लोग साथ में बनाते हैं तो वो जो है ज़्यादा ज़्यादा बनती जाती हैं और फटाफट वो उसे तलते जाते हैं। तो मैं यहाँ पर अकेले बना रही हूँ तो एक एक करके मैं तल रही हूँ। देखिए हल्का सा ऊपर से मैंने दबाएंगे और ये पूरी हमारी कचौड़ी देखिए ऐसे ये एकदम फूल जाएगी। ये देखिए कोई भी कचौड़ी ऐसी नहीं होगी जो आपकी ना फूले, ये फूलेगी जरूर। वापस से भी हम पलट के इसे ऐसे ही करेंगे, और ये बिल्कुल खस्ता करारी हमारी कचौड़ी फूल के एकदम बन जाएगी। अगर आप इस तरह से बनाएंगे कचौड़ी तो जो इंसान नहीं खाता है वो भी ज़रूर इसको खाएगा एक बार, क्योंकि ये इतनी टेस्टी बनती ही हैं, आदमी खाए बिना नहीं रह सकता। ये देखिए आप देख सकते हैं
और हर कचौड़ी फूलेगी और गारंटी है, लेकिन अगर आप जब खाएंगे इसे तो आपकी कचौड़ी से दाल बाहर नहीं गिरेगी, इसकी भी गारंटी है। तो ये देखिए हम जैसे जैसे पका रहे हैं हमारी सारी कचौड़ियाँ जो हैं ऊपर फूल फूल के आ रही हैं, ये देख सकते हैं आप। तो देखिए इस तरह से फूल फूल के निकलेंगे। अब हम सारी कचौड़ियाँ अपनी तल लेते हैं। दोस्तों देखिए मैंने अपनी सारी कचौड़ियाँ तल के तैयार कर ली हैं और उड़द दाल की कचौड़ी मेरी बहुत ही टेस्टी बनी है। देखिए एकदम फूली फूली खस्ता कचौड़ी बनी है। तो आप इसे चाहे इमली की चटनी के साथ खाइए, चिली सॉस के साथ खाइए, या टमाटो सॉस के चाहिए साथ खाइए, और अगर आपका मन हो तो आप दही के साथ भी खाइए, या फिर गर्मा गर्म चाय के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। और इसे सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे आप 2 दिन तक खा सकते हैं। एक खस्ता कचौड़ी मैंने ली, अब देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए आप देख सकते हैं मेरी कचौड़ी ये ऐसे बनी है। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले बहुत गर्म है तो संभाल के आप करिए जो भी करिए। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे अंदर से ये अपना इमली की चटनी खट्टी मीठी, फिर उसके बाद डाल देंगे अपना ये ऑनियन, और फिर उसके बाद हम डाल देंगे अपना ये सेव, और साथ में डाल देंगे हम अपना ये दही, और उसके ऊपर से हम फिर से डाल देंगे ये अपनी इमली की खट्टी मीठी चटनी। तो हमारा ये बिल्कुल हमारी उड़द दाल की ये चाट बनके तैयार हो जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है इस तरह से खाने से। इसको वापस से ऐसे हम बंद कर देते हैं। देखिए इस तरह से खस्ता कचौड़ी की आप चाट भी बना के खा सकते हैं। और अगर इतना बनाने का झंझट ना करना हो तो सीधे से बस मस्त सी गरम गरम चाय बनाइए और उड़द दाल की कचौड़ियाँ और इन्जॉय कीजिए। तो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा मेरा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आप बनाइए उड़द दाल की कचौड़ी इस तरह से, तो आप इन्जॉय कीजिए और हम मिलते हैं अपनी अगली ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।